बहुमत मिल चुका है। मध्य प्रदेश में 132 पर बीजेपी, कांग्रेस मात्र 88 पर, अदर्स 5 पर। राजस्थान में बीजेपी 116 पर, कांग्रेस 74 पर, अदर्स 9 पर। वहीं बीजेपी छत्तीसगढ़ में 46 पर, कांग्रेस 42 पर। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि राजस्थान में लाल डायरी और छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप जो है उसने कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया है। रवि त्रिपाठी को मैं बोलता हूं कि लड्डू जो बने कांग्रेस हेडक्वार्टर में वो यहीं भेजते हैं, थोड़ा सा हम ही खा के खुश हो लेंगे। हम तो स्टूडियो में खा लेंगे, बिल्कुल सही बात है, सुबह से बैठे हुए हैं। तो 132 और 88 ये जो फासला है 30% का खुलेआम सट्टा नारा लगाया था ना महादेव पर। नरेंद्र सिंह तोमर के लिए मुश्किल है, दिमनी कठिन सीट थी। पिछले चुनाव में भी दिमनी नहीं जीती थी, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने जीती थी, और दिमनी बहुत ही कठिन सीट है नरेंद्र सिंह तोमर के लिए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अंतिम समय में वो निकाल लेंगे, संगठन के माहिर आदमी फैक्टर है। वो बीएसपी का कैंडिडेट है बलबीर दंडौतिया, उन्होंने जो त्रिकोणीय बना दिया है उसके कारण से जल्दी से फटाफट आगे बढ़ते हैं। मैं आपको क्या क्या बता दूं, मध्य प्रदेश में बीजेपी 132, कांग्रेस 88 पर, अदर्स 5 पर। बीजेपी 116 पर, कांग्रेस 74 पर, अदर्स 9 पर। छत्तीसगढ़ में 90 पर बीजेपी 46, यहाँ पर भी रुझानों में बहुमत है। कांग्रेस 42, अदर्स 2 पर। यहाँ पर अजीत जोगी की पार्टी है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, और तेलंगाना पे भी नजर डालिए, यहाँ पर अंतर कम हो रहा है। बीआरएस 47 पर आ गई है, कांग्रेस 61 पर आ गई है। जो कांग्रेस 66 पर पहुंच गई थी, अब बहुमत के आंकड़े से कांग्रेस सिर्फ एक सीट आगे है। बीजेपी 6 पर है, एमआईएम 4 पर है, अदर्स 1 है, यानी 11 सीट इधर है और 47 उधर है। बहुमत के आंकड़े से अभी भी ये गठजोड़ जो है पीछे है, लेकिन कोई बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं किसी भी राज्य में कांग्रेस की देखने को मिल रही है, बल्कि मुश्किल में है कांग्रेस इस समय। जी हाँ, बिल्कुल मुश्किल में। और देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है तेलंगाना के अंदर। जो बीआरएस और कांग्रेस है उसका बहुमत कम होते हुए, क्योंकि एआईएमआईएम की 4 यानी बीआरएस को अगर 51 माना जाए तो गलत नहीं होगा, और बाग में 6 बीजेपी की, तो 4 सीटों का अंतर ही आ रहा है। अगर बहुमत के हिसाब से देखा जाए तो 4 सीटों का अंतर। दिया सिंह बीजेपी की जो है वो आगे चल रही है, और मध्य प्रदेश में 44 सीटों से कांग्रेस पिछड़ रही है बीजेपी से, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और 10 बजते बजते अगर ये तस्वीर आने लगती है तो ये बहुत बड़ी तस्वीर है। दो राज्यों में 3-1 से बीजेपी आगे। किन राज्यों में? लीजिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे निकल गई है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे निकल गई है, कांग्रेस 45 पे आ गई है। ये स्कोर फिर 2-2 का हो गया है, लेकिन 43 में नीचे का 2 जोड़ दो ना, 45 बराबरी का मामला चल रहा है। देखिए कुछ राजनीति में होता है जो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो हम जो नहीं हो सकता है वो भी आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में अन्य के खाते में 2 सीट है। मैं जानना चाहूंगा ये अन्य की सीट कौन कौन सी है। एक अजीत जोगी की मारवाही होनी चाहिए, और दूसरी भी जोगी का पार्टी का है क्या, ये भी बताइए प्लीज, ये कैलकुलेट करके बताए। हाँ, उनकी बहू बिल्कुल बेटे और बहू, ये 40 सीटों का फर्क हो चुका है, 50 सीटों का, 30 इधर और 20 उधर, 50 सीटों का अंतर है राजस्थान में। इसको भरना मुझे लगता है कि एकदम नामुमकिन है, और नामुमकिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 10 बजने जा रहा है। और देखिए कांग्रेस और बीजेपी का अंतर 50 सीटों का, देखिए बीजेपी और कांग्रेस अब राजस्थान में, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश में 44 बीजेपी और कांग्रेस 50, यानी दोनों बड़े राज्यों में कांग्रेस की रिकवरी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और तेलंगाना में भी अंतर कम हो रहा है, इधर छत्तीसगढ़ में भी स्थिति फंसी हुई है, 45-45 पे चल रहे हैं, और छोटे राज्य हैं जैसा कि दीपक जी बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत जल्दी स्थिति क्लियर होगी। तो तेलंगाना में भी अंतर 47-61 का रह गया है। बीजेपी और एमआईएम, जो एमआईएम के लिए जरूर 3 सीटों का नुकसान है, पर बीजेपी के लिए 5 सीट का फायदा तेलंगाना में दिखाई दे रहा है। तो 2 राज्यों में बीजेपी, 2 में इस समय कांग्रेस आगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में टेक्निकली अगर देखें तो 45-45 तो मध्य प्रदेश रुझानों में बीजेपी को बहुमत है। क्या स्कोर है बता दूं, बीजेपी 140 पर, कांग्रेस 83 पर। तो 40 और 17, और जुबली हिल्स से अजहरुद्दीन पीछे हो गए। बड़ी खबर, तेलंगाना में जुबली हिल्स से अजहरुद्दीन पीछे हो गए। वर्ल्ड कप में भी
फाइनल में हम हार गए। और देखिए ये पूर्व कप्तान जो है वो राजनीति की कप्तानी में भी इस समय तो पीछे चल रहे हैं दीपक जी। मैं वैसे वहाँ पे उनका ऐसा कोई होल्ड नहीं बहुत था, तो पीछे चल रहे हैं तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य भी नहीं होगा। जुबली हिल्स वो अप मार्केट इलाका है, रुद्र वहाँ रहते हैं, सालों से रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है और बिल्कुल वहाँ की राजनीति में दीपक जी विकेट के बीच में अजहरुद्दीन जो दौड़ते थे उनकी टक्कर में कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पर सियासी पिच पर नहीं बहुत अच्छा दौड़ पाए। विराट कोहली से तेज कोई नहीं दौड़ पाता। और विराट कोहली कौन है बीजेपी की टीम में? वो मोदी जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतने साल से चल रहे हैं लेकिन खेले जा रहे हैं। विराट भी 35 प्लस नॉट आउट, बिल्कुल 50 गोशामल से बीजेपी के टी राजा पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। अगर टी राजा जीत जाते हैं तो बीजेपी के लिए इतना बड़ा नैरेटिव होगा टी राजा का जीत जाना, और वहां हराएंगे वो, पीछे चल रहे गोशामल से। AIMIM के कैंडिडेट इनको पार्टी से निकाल दिया गया था, चुनाव से पहले इनको वापस लाया गया। बड़ी राइट विंग नैरेटिव की बात करते हैं, द्वारा से सीपी जोशी भी पीछे चल रहे हैं। तो बड़ा अपडेट का यही है कि छत्तीसगढ़ में भी स्थिति फंसी हुई है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच एकदम टाई का माहौल है। तेलंगाना में भी अंतर जो है वो कम हो रहा है बीआरएस और कांग्रेस के बीच में। मध्य प्रदेश और राजस्थान से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये जो अंतर है सीटों का ये बहुत बड़ा होता जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने तो अब ट्विटर पर घोषणा भी कर दी है और जीत की तैयारी भी बिल्कुल तय कर दी है। हाँ, वो कहते हैं ना, वो एक डायलॉग था अशोक गहलोत का इन चुनाव में, और आप सब ध्यान से सुनिएगा क्या डायलॉग था। पर मैं तो चाहता हूँ ये मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ दूँ, पर ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती। हाँ, बिल्कुल। तो शिवराज का भी ऐसा ही लग रहा है मुझे, वो बोल रहे हैं कि कुर्सी बुला रही है। ट्विटर पे याद दिला रही है, मुख्यमंत्री कामारेड्डी से पीछे चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कामारेड्डी और गजवेल से KCR खड़े हुए थे, और कामारेड्डी जो उनकी फिक्स सीट है वहां से वो पीछे चल रहे हैं। कामारेड्डी से रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो आगे चल रहे हैं इस समय। ये कई लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे गजवेल से वो हारेंगे, क्यों लक्ष्मी जी गलत तो नहीं कर रहा हूँ, KCR के बारे में कई लोग कह रहे थे। ये करीब 100 निर्दलीय खड़े थे कामारेड्डी से, लगभग 100 निर्दलीय खड़े हुए थे। हाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ होगा। और रेवंत रेड्डी जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना के, वो जीत रहे, गजवेल से आगे चल रहे हैं KCR। KCR ने बहुत काम किया है, जो लोग तेलंगाना गए हैं वो बता रहे KCR ने बहुत काम किया है, लेकिन जनता बदलाव चाहती है और बोर हो जाते हैं, और शायद यही एक बड़ा फैक्टर। तेलंगाना में इतना डेवलपमेंट, हाँ। जो एस्पिरेशन उन्होंने बिल्डअप किया है ना, वही उनके लिए नेगेटिव हो गया। करीब 100 निर्दलीय KCR के खिलाफ किए गए खड़े, और KCR को फंसाने के लिए ये पूरी स्थिति पैदा हुई, और इसीलिए फिर उन्होंने गजवेल सीट से भी अपना नामांकन भरा। हाँ। क्योंकि लेकिन देखिए 44-44 छत्तीसगढ़ में 44-44 की लड़ाई हो गई है, 44-44 तेलंगाना में सिर्फ 11 सीटों का अंतर बचा है। कांग्रेस 61 पर है, बीआरएस 50 पर है, सिर्फ 11 सीटों का अंतर तेलंगाना में बचा हुआ है। कांग्रेस में राजस्थान के कई बड़े नेता पीछे हैं, खाजूवाला से गोविंद राम मेघवाल पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है एक बड़ा अंतर दोनों की कांग्रेस बीजेपी में हो गया है। ठीक है, मैं फटाफट आपको बता दूं, क्या बताऊं, मध्य प्रदेश मेरा राज्य बिल्कुल अजब है, 140 सीटों पर बीजेपी आ गए है, मात्र 83 पर कांग्रेस है। मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस मेकअप कर पाएगी। वैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल का इंडिकेशन गलत। 57 सीटों का फासला है, 57 सीटों का रिकवरी होगी मुझे कहा जा रहा है, दिखती नहीं है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 50 सीटों का फासला, दोनों बड़े राज्यों में कांग्रेस की रिकवरी फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। और छत्तीसगढ़ में बराबर बीजेपी 44 कांग्रेस 44 और अदर्स दो पर बीजेपी 44 कांग्रेस। और तेलंगाना देखिए, बीआरएस 50 पर आगे, कांग्रेस 61 पर, बीजेपी 4 पर, AIMIM 3 पर, अदर्स 1 पर। अब मैं देखूंगा गोशा महल, प्लीज इसका हमको देते रहिए, दुगोशा महल का हमको बराबर देते रहिए। तेलंगाना बंडी संजय कुमार पीछे चल रहे हैं बीजेपी के सांसद, करीमनगर से 7 सीटों का फासला बच। अगर ओवैसी और आदर्श मिल जाएं बीआरएस के साथ में, और बीजेपी भी मिल जाए, बीजेपी मिल जाएगी भाई बीआरएस के साथ, उनकी अच्छी सेटिंग है तो बिल्कुल ठीक है। देखिए राजकिशोर जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। राजकिशोर जी, ये तो बड़े, जिसे कहा जाए कि बीजेपी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, दो बड़े राज्य और छत्तीसगढ़ में भी फंसा दिया है बीजेपी ने चुनाव।
चीजें हैं वो और ज्यादा संजीवनी देने वाले हैं। एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। कांग्रेस आगे निकली है, बीजेपी से दो सीटों से आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में बराबर की लड़ाई हो गई थी, लेकिन अब कांग्रेस 45 पर आगे आ गई है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके की लड़ाई छत्तीसगढ़ में हो रही है, ये दर्शाता है कि जहां पर माना जा रहा था कि केक वॉक है कांग्रेस के लिए, वहां पर इस तरीके से फंसा दिया और भारतीय जनता पार्टी 20 साल बाद वापसी कर रही है। एक मिनट फिर से मैं एक बार बिग पिक्चर सबको बता दूं, 3-1 से आगे चल रही है इस वक्त बीजेपी। 3 राज्य कौन से? 2 बहुत बड़े राज्य, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां से 29 और 25 सीट आती है लोकसभा की, और 11 सीटों वाला छत्तीसगढ़। यहां पर भी बीजेपी दमखम के साथ लड़ रही है। बीजेपी और कांग्रेस अभी बराबर पर चल रहे हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी 43 है, अदर 2 पर यानी 45, कांग्रेस 45 पर, बीआरएस 50 पर आ गए तेलंगाना में, कांग्रेस 61 पर, यानी यहां फासला बीआरएस और कांग्रेस के बीच कम होता हुआ 11 सीटों का। बीजेपी 4 पर, एआईएमआईएम 3 पर, अदर्स 1 पर। तो मध्य प्रदेश में दोनों के बीच 57 सीटों का अंतर है, राजस्थान में